उस्ताद जाकिर हुसैन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम आप तो मुझे उस्ताद ना कहें। मैं हमेशा जितने ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जितने अनाउंसर होते हैं, सबसे ये कहता हूँ कि मुझे उस्ताद ना कहा करें, क्योंकि अभी तो मेरी सीखने की उम्र है और मैं यंग हूँ, जवान आदमी हूँ। अभी से उस्ताद बन गया तो मेरी ऑडियंस का और मेरे में इतना बड़ा जो आप जो दरिया बना दोगे उसका क्या होगा। अब क्या होता है कि मैं अपने आप को अपनी ऑडियंस, अपने श्रोताओं का एक दोस्त समझता हूँ, एक मित्र, भाई जैसे होता है, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो भी मुझे अपने से नजदीक समझें। एक मेल मिलाप हमारा आपस का बना रहा है। अगर आप उस्ताद पंडित महाराज लगा दोगे तो वो जो नजदीकी है वो दूरी हो जाती है। एक स्टेज और एक ऑडियंस का जो फर्क है वो आ जाता है बीच में, और मैं नहीं चाहता वो। और क्या होता है कि अब जैसे कि अगर मैं अली अकबर खान साहब, रविशंकर जी, अल्लाह रखा खान साहब जो मेरे पिता हैं, उनके साथ स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, और अगर कोई अनाउंसर शुरू हो गया कि अब पंडित रविशंकर जी उस्ताद अली अकबर खान साहब की जुगलबंदी सुनिए, तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या फर्क रहा? कोई भी फर्क नहीं रहा ना। आखिर को उस्ताद कौन, शागिर्द कौन, ये तो पता चलना चाहिए।